मैं वैशाली यादव, मैंने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प के लिए कहा था कि मैं यहाँ पे यूक्रेन में फंसी हुई हूँ तो यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार कुछ करे। लेकिन उस वीडियो को इंडिया में गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये लड़की इंडिया में ही है लेकिन ऐसे वीडियोज़ बना रही है, जो एकदम गलत है। हर चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाना ज़रूरी नहीं होता है। मैं यूक्रेन में थी लेकिन अब मैं सेफ हूँ, रोमानिया आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी मैं इंडिया वापस आ जाऊँगी। तो जब तक आपको सही बात पता नहीं हो, उस चीज़ को फैलाना सही नहीं होता है। हर चीज़ में राजनीति जोड़ना ज़रूरी नहीं होती है। इस जगह कभी आप भी हो सकते हैं, आज मैं हूँ, तो आप उनके बारे में सोचिए ना जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो कितनी प्रॉब्लम में है। उनकी मदद करने की बजाय आप उस चीज़ को गलत तरीकों से दिखा रहे हैं वहाँ पे। मैंने ये वीडियो यही बताने के लिए बनाया है कि जो भी फैल रहा है वो एकदम गलत है, तो आप उन चीज़ों को पास ना करें और उन्हें सपोर्ट ना करें बिल्कुल भी। मैं वैशाली यादव से संबंधित सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, इस संबंध में प्रशासन का क्या पक्ष है? सुश्री वैशाली यादव के संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया पर प्रचलित पोस्ट के संबंध में संज्ञान में आया है कि वह इस समय यूक्रेन में अध्ययनरत हैं और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत वो यूक्रेन से निकल कर के रोमानिया के एक शेल्टर होम में इस समय आ गई हैं। जनपद पर स्थापित जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है उसके वो लगातार संपर्क में हैं, वहाँ से उनके द्वारा लाइव लोकेशन भी भेजी गई है। यह भी संज्ञान में आया है कि वह जनपद की 13 पुरसौली की प्रधान भी हैं, जिसके क्रम में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।